हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। अभी हम एवरेज का चैप्टर कर रहे हैं और आज दूसरा जो सेशन है वो एवरेज के चैप्टर का है। एलिगेशन एंड मिक्सचर जो है ये एवरेज का ही एक पार्ट है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आठ क्वेश्चन करूंगा। दो तो बिल्कुल बेसिक होंगे, दो तीन थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे और दो तीन जो क्वेश्चन है वो IBPS PU के लेवल के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले आपको एलिगेशन का सबसे पहले रूल इससे आपको क्लियर होगा कि होता क्या है कि जब भी दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उनका हमें रेशियोज दिया हुआ है क्वांटिटीज़ का, और प्राइसिंग का अगर हमें थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है तो हम उसका एवरेज प्राइस निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल दे लेते हैं, एक सिंपल सा। 10 kg ऑफ राइस प्राइस एट ₹12 पर kg, 10 किलो चावल है ₹12 पर किलो चावल है, मिक्स्ड विथ 6 kg ऑफ राइस प्राइस एट ₹16 पर kg। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 10 किलो चावल है ₹12 के हिसाब से, ठीक है, ₹12 वाले और ₹16 वाले दोनों को मिक्स करा है, मिक्स करके क्वांटिटी एक बनाई है एंड उस हिसाब से मिक्स करना है। ₹10 एक 10 किलो इसको ऐड कर दिया है, इसका 10 किलो है और ये 6 किलो है, आप इसको कह सकते हैं, दो से डिवाइड कर सकते हैं, 5:3 की रेशियो में जो है इनको मिक्स करा गया है। तो अभी ये पूछ रहा है कि इसका जो एवरेज प्राइस है वो क्या होगा। वैसे तो हम इसको बेसिक वेटेड एवरेज जो है उससे निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सिंपल 16 माइनस, ये इसको एक्स मान लेते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली वे में, 48 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 60, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो देखिए क्या बनता है, 108 इज इक्वल टू 8x। अभी x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 8, तो करिए इसको, 1 आ गया, 24 और 13.5, तो 13.5 जो है ये आपका आ जाएगा x का वैल्यू, या आप कह लीजिए कि इसका जो एवरेज प्राइस है वो 13.5 आ जाएगा। वैसे आप इसको बहुत अलग अलग तरीकों से निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये एक मेथड समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ये भी हो सकता है आपको एवरेज प्राइस दिया हो और ये ना दिया हो, क्या कहते हैं, क्वांटिटीज़ का जो प्राइस है ₹16 ना दिया हो और 13.5 दिया हो सकता है आपको एवरेज प्राइस दिया हो और ये ₹16 आपको निकालना हो, ये एक्स की वैल्यू दी हो, 16 की वैल्यू ना दी हो, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेसिक एक एलिगेशन का एक मेथड का एक फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पीओ में नहीं आएगा लेकिन बेसिक समझने के लिए बहुत जरूरी है। टू वराइटीज ऑफ राइस आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3। पिछला जो फॉर्मूला जो ग्राफ बनाया था, वैसे ग्राफ बनाने की पेपर में जरूरत नहीं है लेकिन अभी समझने के लिए अगर आपने अभी अभी शुरू किया है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। टू वराइटीज ऑफ राइस आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3, द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 12 पर kg, चलिए ₹12 किलो के हिसाब से है, एंड द, यहाँ पे एंड होगा, एंड द प्राइस ऑफ वैरायटी हैविंग द लोअर वेट इज ₹10 पर kg। अभी निकालिए, अभी इसका वैल्यू निकालना है, निकालिए, लोअर वेट मतलब इधर वाली, इसका वेट लोअर है ना, ये देखिए ये क्वांटिटीज है, 2:3 का रेशियो है क्वांटिटीज का, तो लोअर वेट वाला ₹10 किलो है, ये लोअर वेट है, तो अभी आपने इसका वैल्यू जो है ये निकालना है जिसका वेट ज्यादा है। तो करिए इसको, जो मैंने पिछले आपको करवाया था ये वाला, तो इसमें वही मैंने आपको समझाया था, इसको करिए अब सिंपली वे में, इसको एक्स पकड़ लीजिए, अब एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू, अब इसको निकालिए, एक्स माइनस 12, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, इसमें क्या होगा, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। अभी इसको सिंपली सिंपल वे में सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 24, ये तो वैसे ही 2 हो गया था तो 4,
थ्री एक्स इज इक्वल टू 40 हो गया, ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगी जी आपकी 40 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए 13.33 पर केजी, तो ये जी आपकी x की वैल्यू आ गई है। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कैसे मैं इन क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, आपको आपके जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन, ऐसे क्वेश्चन पीओ के लेवल के एग्जाम्स में कई बार आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए खुद सॉल्व करने की, 8 क्वेश्चन है, अगर आप 7-8 खुद से करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अगर आपने बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं किया तो आराम से वीडियो को देखें। राइट, अ मिल्कमैन मिक्सेस 20 लीटर्स ऑफ वाटर विद 80 लीटर्स ऑफ मिल्क आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर, he adds water to replenish the quantity that he had sold. What is the current proportion of the water to milk? बात को समझिए, दूध वाला एक 80 लीटर मिल्क में उसने 20 लीटर पानी जो है मिक्स कर दिया, 100 लीटर बन गया था उसमें से 25 लीटर इसने जो है बेच दिया, तो 75 लीटर बचा, तो इसने क्या किया उस कमी को पूरा करने के लिए, 100 से 75 लीटर हो गया, इसने दोबारा 100 लीटर बनाने के लिए 25 लीटर पानी और डाल दिया, समझ रहे हैं इस लाइन को, समझिए बी वही क्वांटिटी पे वापस आने के लिए 75 लीटर हो गया, वापस आने के लिए 25 लीटर पानी और डाल दिया, अब वो पूछ रहा है कि अब क्या, अभी प्रोपोर्शन क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में चलें, ये देखिए इधर है वाटर, ये है मिल्क, ज्यादा फॉर्मूला हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी लॉजिक से भी क्वेश्चन सिंपली हो जाता है, पानी स्टार्टिंग में था 20, मिल्क था 80, 1/4 जो था बेच दिया, 1/4 सोल्ड, तो 20 का जो 1/4 था वो तो था जी 5, इसका 1/4 था 20, तो कितना बचा 15, इधर बचा 60, तो अभी क्या किया एंड में इसने जो है बाद में 25 फिर ऐड कर दिया, आपको स्टार्टिंग में समझाया था टोटल 100 लीटर था हमारे पास, क्या कहते हैं मिक्सचर जो था, दूध तो रहा ही नहीं अब मिक्सचर हो गया, 100 लीटर था इसमें से 25 लीटर इसने बेच दिया, 75 बच गया, अभी इसने क्या कहा है ये लाइन को समझिए, ही एड्स वाटर टू रिप्लेनिश द क्वांटिटी दैट ही हैड सोल्ड, 75 जो लीटर था इसमें इसने वापस 100 लीटर पे आना है, तो 100 लीटर पे आने के लिए ये 25 लीटर जो है दोबारा से पानी ऐड करेगा, तो इसने 25 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो अभी 40 लीटर पानी है और दूध तो इसने ऐड करा नहीं, तो 60 लीटर जो है ये दूध है, और दूध और पानी का प्रपोर्शन क्या हो गया 40/60, ये आप कह सकते हैं 2/3 का रेशियो जो है ये इसका दूध और पानी का जो रेशियो हो चुका है, तो इस चीज़ को समझ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वीडियो को पॉज करें इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, सेम क्वेश्चन है कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया है, दिमाग लगाएं, फॉर्मूला यूज करना है कि लॉजिक लगाना है, दोनों से हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जल्दी कैसे होगा, क्योंकि मुझे दोनों सिखाना है आपको, मुझे फॉर्मूला भी सिखाना है और लॉजिक भी सिखाना है, ये आपका डिसीजन है पेपर में, आप लॉजिक लगा पाते हैं कि फॉर्मूला यूज करते हैं, करिए वीडियो को पॉज कीजिए और करिए, अगर नहीं हुआ तो देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर शुड बी मिक्स्ड विद 30 लीटर्स ऑफ 50% मिल्क सॉल्यूशन so that the resultant solution is 10% milk solution. तो एक चीज का ध्यान लगा लीजिए कि ये जो अभी मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा वो एलिगेशन वाला, इस पे मैं मिल्क की क्वांटिटी पे ध्यान दे रहा हूं, राइट, दो चीजों को मिक्स करना है, एक तो मिल्क सॉल्यूशन, दूसरा पानी, राइट, पहले में 50% जो है वो है मिल्क सॉल्यूशन, दूसरे में मिल्क कितना है 0%, बात को समझ रहे हैं, एक में 50% मिल्क है, एक में 0% मिल्क है, तो 0% को मैं 0 ही लिखूंगा, और हमें चाहिए कितना 10%, हमें चाहिए कितना 10%, रिजल्टेंट हमें 10% चाहिए, एक में 50% है, एक में 0% है, वही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 50-10=40, और यहां पे आ जाएगा 10, 1:4 की रेशियो में है हमें जो है मिल्क के सॉल्यूशन को और पानी को ऐड करना है, ये मिल्क का सोल्यूशन है, जो मिल्क का मिक्सचर जो था, मिल्क का मिक्स है,
और ये जो है 4 का वाटर। स्टार्टिंग में जो था 30 लीटर मिल्क का सोल्यूशन था, अगर 30 लीटर मिल्क का सोल्यूशन है तो वाटर कितना होगा, 30 बाय 4, 120 लीटर। 120 लीटर जो है ये मेरा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप में से कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये सर क्या करवा रहे हैं। अगर आपको लगता है तो ये क्वेश्चन करिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, पीओ लेवल में भी आ जाते हैं। ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द रिस्पेक्टिव मेटल्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:2 and 7:11। ये गोल्ड है, ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये कॉपर है, ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं या कह लीजिए मिक्सचर्स हैं। अभी एक नया मिक्सचर बनाया है इन दोनों कंपाउंड्स को, ये वाले कंपाउंड को और ये वाले कंपाउंड को मिला के एक नया मिक्सचर बनाया है। एक में कॉपर ज़्यादा है, एक में गोल्ड ज़्यादा है। अभी जो नया मिक्सचर बनाया है उसमें इक्वल प्रपोर्शन ऑफ गोल्ड एंड कॉपर है, दोनों बराबर बराबर हैं। तो किस रेशियो में हम इन दोनों को ऐड करेंगे कि हमें हमारा जो प्रपोर्शन है दोनों बराबर हो जाए। ये क्वेश्चन करने के लिए या तो आप कॉपर, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे सिंपल वाले क्वेश्चन में मिल्क को पकड़ा था कि इसमें 50% मिल्क है, इसमें 0% मिल्क है, सेम वे में यहाँ पे आप या तो गोल्ड पकड़ेंगे या कॉपर पकड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कॉपर पकड़ रहा हूँ, राइट, गोल्ड भी पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इस वाले में देखिए 2/9 कॉपर है, ये कॉपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से, गोल्ड की बात नहीं कर रहे। और इसमें 11/18 कॉपर है, राइट। हमें चाहिए कितना, बराबर हमें कॉपर 1/2 इतनी वैल्यू में कॉपर चाहिए। तो सिंप्लीफाई में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हम 11/18 - 1/2, राइट, इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखिए एक बार, 1/2 - 2/9। तो देखिए 18, तो 11 - 9, ये बन गया पर 2/18, और इधर आ गया 18, तो ये आपका बन जाता है 9 - 4, 5/18, 18 तो गया। तो 2/5 की रेशियो में जी हमें जो है मिक्स करना है, तभी आपका जो है जो मिक्सचर है वो बन पाएगा। इसका एक शॉर्टकट नहीं कहूँगा, लॉजिक, ये वैसे आपका आंसर बन चुका है, एक आपको लॉजिक लगाना सिखाऊं। स्टूडेंट्स एक चीज़ को देख लीजिए, अगर आपने इस क्वेश्चन में, अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 सेकंड 15 सेकंड आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के भी ये सॉल्व हो सकता था। ये देखिए ये वाला जो है इसमें 7/9 गोल्ड की बात करता हूँ, 7/9 गोल्ड है, और दूसरे वाले में जो गोल्ड है वो 7/18 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, राइट। तो अभी 14/18 गोल्ड है, 7/18 गोल्ड है, हमें चाहिए कितना, 9/18। तो भी इस चीज़ को ध्यान से देखिए, 14 - 9 = 5 और 9 - 7 = 2। तो ये एक टेक्निक है, पेपर में ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे मैं बिना, अगर मैं, मुझे पेन यूज़ नहीं करना होता तो मैं ये सिंपल सी टेक्निक देखता यार, ऐसे कुछ हो सकता है। तो विदाउट यूजिंग अ पेन आप 25-30 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते थे। अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मिक्सचर में वैसे आना मुश्किल है लेकिन कई बार आ भी जाता है। तो देर आर ओनली डियर्स एंड डक्स, डियर की 4 टांगें होती हैं, डक्स की 2 होती हैं, एक हेड होता है, दोनों का एक एक हेड होता है, ये समझिए क्वेश्चन के लिए। व्हेन हेड्स आर काउंटेड, हेड्स जो है x + y, डियर को मैंने x मान लिया, डक्स को मैंने y मान लिया, राइट, x + y = 204, राइट। व्हेन द लेग्स आर काउंटेड देर आर 512 लेग्स, अभी डियर जो है इसकी 4 टांगे हैं और डक है इसकी 2 टांगे हैं, तो 512, राइट। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, बचपन में भी आपने किया होगा, अभी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 2y = 408, 4x + 4y, ये रुक जाइए, 4x + 2y = 512। तो चलिए निकाल दीजिए इसको यहाँ से, तो ये बन गया -2x = -, देख लीजिए कितना बनेगा आपका, 104। अभी x का वैल्यू देख लीजिए, ये कट गया यहाँ से, x का वैल्यू आ जाता है 52।
एक्स का वैल्यू आ गया है 52, तो वाई का वैल्यू जो बचा है 204 में से 52 माइनस कर दें, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप डक भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्स जो है हमारा आ गया है 52, चार टांगों वाले जो हैं दे आर 52, और जो दूसरे हैं दे आर द रिमेनिंग पार्ट्स, राइट। तो ये है जी आपका आंसर, राइट, समझ लें इसको। एक जो हमारे 52 आ गया, बाकी व्हाटएवर जो भी है देख लें, डियर कौन सा है और डक कौन सा है, सिंपल। थोड़ा सा दिमाग लगाएं ये वाले क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है। प्लीज वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, अगर नहीं होता है तो ये वीडियो को आगे देखें, राइट, और आंसर अपना जरूर वेरीफाई कर लें। A vessel contains mixture of two liquids A B in the ratio of 7:5. चलिए A B की रेशियो 7:5 है, ये A है ये B है। When 9 liters of mixture is taken out, 9 liter निकाल लिया, the vessel is filled with B. Okay. The ratio of A and B is now 7:9. अभी ये क्वेश्चन IBPSPO के लेवल का जी जरूर है, अभी इसको ध्यान से सॉल्व आउट करेंगे। अभी हम पहली बात इसको देख लीजिए, x पकड़ लीजिए, ये आपका 7x हो गया, इसको 5x पकड़ लीजिए, राइट। जो वैल्यूज हैं इसको हमने x डोनेट कर दिया है, ये 12 7 और 5 12 थे, और इसको हमने x पकड़ लिया, इसको 7x ले लिया, इसको 5x ले लिया है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वॉल्यूम था कितना, रेशियोज हैं इसलिए। तो 7x यहां पे है, इसमें से 9 लीटर्स निकाल लिया है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता 9 लीटर कितना है, तो 9 लीटर्स है 7 डिवाइडेड बाय 12, तो 9 लीटर निकाला है। जब ये 9 लीटर निकाला, इसमें ए कितना था और बी कितना था एग्जैक्टली आपको पता है कि नहीं पता, 9 का 7 ओवर 12 ए था और 9 का 5 ओवर 12 जो है वो बी था, राइट। तो ये वाला क्लियर है आप सबको, यहां तक तो ऑब्वियसली आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ यहां पे बड़ी बात नहीं करी है। यहां पे मैंने एक्स इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली क्वांटिटी का नहीं पता, मुझे रेशियो पता है, तो इसलिए मैंने ये वाला एक्स पकड़ लिया हुआ है। यहां पे हम एलिगेशन का वो जो फॉर्मूला बनाते हैं वो नहीं बना रहे, हम इक्वेट कर रहे हैं। हम पहली वाली सिचुएशन, ये 7:5 है, इसको हम इससे इक्वेट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। हम एंड में हम क्या करेंगे, हमने ये करना है, हमने इक्वेट करना है 7x 7/5x, ये जो वैल्यू है 7/5 का रेशियो है, ये 7/9 कैसे बना, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी कंडीशंस हुई है वो हम उसको मैथमेटिक फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहले 7x 5x था, क्वांटिटीज हमें नहीं पता है हमने, क्योंकि x ही निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद आइए आगे चलते हैं, और उसके बाद एंड में क्या किया, इसमें जो है वो जितना निकाला मिक्सचर निकाला और जितना निकाला वो बी भर दिया, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, ये बी की बात कर रहे हैं, नीचे इसको लिख दिया हमने, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चल रहा है। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, वैसे तो 3 और 4 से चला जाएगा ये, राइट, 7x माइनस 21/4 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर आ जाएगा आपका 5x माइनस, ये भी आपका 3, 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 15/4 प्लस 9 7/9 यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 9 को ऊपर ले जाइए, 63x माइनस 189/4 इज इक्वल टू, ये 5 को इधर ले जाइए, 5 से तो 35, सॉल्व करना कर लीजिए, मैं एंड में ही सॉल्व करता हूँ, ये मेरी आदत है, आपकी जो आदत है आप वो करिए, राइट। तो चलिए ये दोनों को इक्वेट कर लिया हुआ है हमने, तो अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इजी वे में आप निकाल सकते हैं, आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में मैं कर भी देता हूँ, 84/4, क्योंकि ये देखिए ये सिंप्लीफाइड वे में हो जाएगा, माइनस 84/4 हो गया, 84/4 इज इक्वल टू 63। अभी एक्स का वैल्यू देख लीजिए, 28x, ये तो सिंपली, चलिए 28x अभी सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, 84, चलिए x की वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है 3, तो लीजिए x की वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है 3, x की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है, और इसने क्या पूछा था, सॉरी शाम हो चुकी है, अभी
हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज देयर इन द वेसल इनिशियली। एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है 7x, कितना होगा सत्य 21, जो 21 लीटर है हमारा आंसर है। समझ रहे हैं बात को, हमने x क्यों पकड़ा था यहां पे, हमने x क्यों पकड़ा था, हमें यहां पे क्वांटिटी लिखनी थी, लेकिन मुझे क्वांटिटी तो पता ही नहीं ना, एक साइड पे तो क्वांटिटी लिखेंगे ना। देखिए ये इसकी मैंने 7 ओवरनों की रेशियो लिखी है, अगर आपको पीछे कुछ याद हो जो मैंने करवाया था, यहाँ पे हम देखिए क्वांटिटीज लिखते थे, अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे तभी आगे क्वांटिटी में आंसर निकाल पाएंगे ना। अगर मैं यहाँ पे भी रेशियोज में करता, ये भी मैं रेशियो में करता, यहाँ पे मैं 7 ओवर 7x ना लिखता या सीधा 7 लिखता, तो भाई यहाँ पे 7 रेशियो में चल रहा है और यहाँ पे लीटर्स में बात चल रही है, तो बात नहीं बनती ना। रेशियोज और लीटर्स को आप साथ में कैसे कर सकते हो? अभी यहाँ पे मैंने 7x लिख लिया है तो ये क्वांटिटी हो गई, समझ रहे हैं? यहाँ पे ये मेरे को लगता है कि कंफ्यूजन अगर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को होगी तो इसी पॉइंट में होगी, यहाँ पे 7x क्यों लिखा है, 5x क्यों लिखा है। भाई ये देखिए 7x प्लस 5x ये मेरी टोटल क्वांटिटी बनती है, इसका मतलब ये है। अभी देखिए x की वैल्यू 3 आ गई, सत्या 21 प्लस 3 5 15, तो ये जो है जी मेरी वैल्यू है। स्टार्टिंग में 36 लीटर जो है वो लिक्विड इतना था हमारे पास, 36 लीटर। तो ये पर्पस है x लिखने का, समझ रहे हैं? सीधा रेशियो लिखेंगे तो रेशियो को आप लीटर से कैसे माइनस कर रहे हैं, तो पॉइंट ही नहीं बनता ना। तो थोड़ा सा लॉजिक ये था, राइट? फिर भी समझ नहीं आया तो कॉमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, IBPS PO SBI PO लेवल का क्वेश्चन है ये, ज़रूर कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मिनट से जल्दी में हो सकता है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर आपको आता है तो पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। मिस्टर दूधमल, द लोकल मिल्क मैन वॉज नोटोरियस फॉर द क्वालिटी ऑफ द मिल्क दैट ही यूज टू सेल। इनिशियली he had 60 लीटर्स ऑफ मिल्क, स्टार्टिंग में 60 लीटर दूध था इसके पास। इन his कैन ही रिमूव्ड 1/3, एक थर्ड जो है एक तिहाई इसने निकाल दिया और उसमें पानी मिला दिया। ही देन रिमूव्ड 1/3 ऑफ द मिक्सचर अगेन, फिर से एक तिहाई निकाल दिया और फिर से पानी मिला दिया। कितनी बार इसको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा ताकि जो दूध है उसकी क्वांटिटी 20% से नीचे चली जाए, समझ रहे हैं? स्टार्टिंग में 100% दूध था, एंड में 20% से कम हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? एक चीज को समझिए, जब इसने पहली बार स्टार्टिंग में तो देख लिए 100% इसका दूध था, स्टार्टिंग में जब इसने शुरू किया पहली बार रिप्लेस कर दिया तो 66.66% इसका दूध रह गया। 1/3 निकाल दिया ना, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33, फिर से 1/3 निकाल दिया जी। अभी 66.66 का दूसरी बार जब निकाला, इसका 1/3 कितना होगा, इसको 3 से डिवाइड करके देखिए 22.22, राइट? तो अभी कितना बच गया 44.44% दूसरी बार निकाला। तो क्या इसमें एक सीरीज बनती, देख रहे हैं आप? सीरीज का चैप्टर करा था ना, याद होगा सीरीज का चैप्टर। सोचिए, समझिए इसको, ये कैसे हो रहा है। अभी ये निकल रहा है यहां से, वैसे तो आप करना चाहें तो सीधा आप कर भी सकते हैं, इसका भी 1/3 निकाल लें, फिर उसका आगे 1/3 निकाल लें, सीरीज एक बन रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां से भी, मैं अगर 22.5 अगर इसको भी माइनस कर दूं, 22.5 के तकरीबन भी इसका 1/3, देखिए कोशिश कीजिए पहले इसको करिए। 44.44%, अभी ये 100% था, इसमें से इतना दूध निकाल दिया तो ये 66.66% बन गया। 100% दूध था, 60 लीटर मिल्क वाटर, 60 लीटर मिल्क था और इसमें वाटर जीरो था, ये पहली बार। दूसरी बार क्या हुआ, इसका 1/3 जो है इसमें, अभी इसमें पानी ऐड कर दिया हुआ है, 60 का 1/3 क्या हो गया जी 20, राइट? ही रिमूव्ड 1/3 ऑफ इट एंड रिप्लेस दैट विद वाटर, 20 इसमें से 20 लीटर निकाल दिया और 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, ओके। तीसरा फिर से, अभी ये 60 लीटर बन गया, फिर से 20 लीटर पानी, 20 लीटर का लिक्विड निकाल लिया और फिर से इसमें से पानी ऐड कर दिया। तो ऐसे करते करते कितनी दूर तक जाएगा, राइट? अभी यहाँ पे ये मिल्क की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये देखिए इसको, अभी वापस आ जाइए यहाँ पे,
पहले 100% मिल्क था, फिर 66.66% मिल्क रह गया, फिर 44.44% मिल्क रह गया, उसके बाद 22.22% मिल्क रह जाएगा जब तीसरी बार रिप्लेस करेंगे तब। जब तीसरी बार रिप्लेस करेंगे तो 22.22% मिल्क रह जाएगा, जब चौथी बार रिप्लेस करेंगे तो इससे भी कम होगा, राइट। तो ये पॉइंट को समझिए कि चौथी बार जब रिप्लेस करेंगे तब जाके ये 20% से कम होगा। चाहे तो इसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे करना शुरू किया था, चाहे तो आप इसको आगे ले जाएं, दिमाग आ और लगाएं कि यार कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपका फोर्थ टाइम पे जब होगा तभी आपका 20% से ये कम जो है दूध बचेगा। कोशिश कर लें, बहुत अलग अलग तरीके हैं, आपने अपने तरीके से फंडा लगाना है। यहाँ पे भी ये अलग अलग दोनों तरीकों से समझ लें भी कैसे कैसे से हो सकता है ये। यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देख लीजिए, और ये जो मिक्सचर बना है इसमें से 1/3 फिर से मिक्सचर निकाल लिया, फिर इसमें पानी डाल दिया, तो ये समझिए कि ये कैसे हो रहा है, राइट। तो ये मिल्क का प्रपोर्शन था, ये मिल्क इतना बचता है, मिल्क का रेशियो, राइट। तो चौथी बार 4 times हमें करना पड़ेगा तो जाके हमारा जो है 20% से कम हो जाएगा। अलग अलग तरीके हैं, ये वाला तरीका सबसे अच्छा है, आप कह लीजिए ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, ये वाला तरीका जो है इसमें पेपर में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अभी देखिए मैंने भी छोड़ दिया ये तरीका करते करते, क्योंकि ये लेफ्ट वाले तरीके से बड़े आराम से हो रहा है, तो क्यों इतना मेहनत करना है भाई, मेहनत कम करो, स्मार्ट वर्क करो जितना हो सकता है। अलग अलग क्वेश्चन के बहुत सारे स्मार्ट वर्क हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वैसे हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल है t.me/bankexamstoday, ये टेलीग्राम का एक हमारा कह लीजिए चैनल है टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए, इसे आप क्या कहते हैं ऐड कर लीजिए मुझे, एंड जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि आपकी जीके जो है वो स्ट्रांग हो जाए मेंस लेवल के एग्जाम के लिए। इसमें मैं रेगुलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग अलग अलग तरीके के टेस्ट जो है वो मैं जीके डाइजेस्ट में ऐड अप कर रहा हूँ, प्लीज इसको इंस्टॉल कीजिए एक बार। gkdigest.com पे भी जा सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, या आपके पास पुराने वाला एंड्रॉयड फ़ोन है जिस पे gkdigest नहीं चल रही, तो gkdigest.com खोल के इसको पढ़ लीजिए। तो हमारा एक पेन ड्राइव कोर्स हमने ज़रूर लॉन्च करा हुआ है, द प्राइस इज़ अराउंड 2000, इट्स वेरी चीप फॉर यू। उसमें सब कुछ सारी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, और IBPSPO जो कोर्स है हमारा, अगर इनरोल करना चाहते हैं तो ज़रूर इनरोल करें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, बहुत सारे लोग डिसलाइक करते हैं, आई डोंट नो वाई कि नेगेटिव कमेंट करते हैं, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कॉमेंट कीजिए, मुझे कुछ कहना है, मुझसे कुछ बात करनी है तो कॉमेंट कीजिए। अगर आपको ये कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो 0161460871 आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज जो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलूंगा मैं सेम टाइम पे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।